तुरई की सब्जी ना मेरी फेवरेट है और इसके पीछे ना दो स्टोरीज है। पहली स्टोरी तो ये है कि जब मुझे मालूम नहीं था ना कि तुरई को कट कैसे करना है, किसे चखे बिना ही हम बिना कड़वाहट की अच्छी से सब्जी प्रिपेयर कर सकते हैं, तो मुझे बताया गया था मेरी मामी के थ्रू कि इसका जो डंठल है ना उसे फेंकना नहीं है, उसे यूज़ करना है सब्जी बनाने वक्त, ताकि आप तुरई को अगर नहीं भी चखोगे ना तो भी जो सब्जी है वो उसमें तुरई की कड़वाहट नहीं आएगी। तो अब मैंने कट कर ली है अपनी सब्जी, चले बनाते हैं हम लोग आज की रेसिपी। तो वो तेल डाला है उसमें ज़ीरा, हींग और जो कटी हुई तुरई है डंठल के समेत, वो मैं इसमें डाल देती हूँ। तो ये जो डंठल है ना ये बहुत काम की चीज़ है, इसे हमें फेंकना नहीं है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और मसाले, इसमें मैं धनिया का पाउडर थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ ताकि इसकी ग्रेवी अच्छी गाढ़ी बन सके। अच्छा, अब दूसरी स्टोरी की बात आ जाती है। तो मैंने तो शुरू से अपनी मम्मी से इस तरह की कंसिस्टेंसी, मतलब कि काफ़ी गाढ़ी सब्जी का ही एक्सपीरियंस लिया है। हमारे घर में तो इस तरह से ड्राई ही इसे खाया जाता है। लेकिन जब कोविड टाइम में मैं मेरी जेठूती के घर पर गई थी रहने के लिए, तो मुझे उसने कहा कि चाची आपने ऐसे कैसे सब्जी बना दी, इसे मैं कैसे खाऊंगी, मुझे तो चूर के खाना है इसे। तो मैंने कहा चूर के कैसे बनाते हैं, मुझे तो आता ही नहीं है। उसने कहा आपने जो सब्जी बनाई है उसमें पानी डाल के उबाल दो और घी डाल दो और परफेक्ट सब्जी बनेगी। और यकीन मानिए जब मैंने इस तरह से इसे बनाया तो उसके बाद मेरे घर में अब इसी तरह से हम लोग इसे खाते हैं रोटी से चूर चूर कर। कैसी लगी आपको ये रेसिपी और कहानी, दोनों मुझे बताना कमेंट करके। चलिए बाय बाय।